गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि सेक्टर 43 में होने वाली है। और ये सेक्टर 43 के ए ब्लॉक में आज मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। मैं आपको एक 750 गज की प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टी की लुक रहेगी, ये आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। ये 750 गज की प्रॉपर्टी है जो कि 5 BHK बनी हुई है। और आसपास की आप लोकेशन देख सकते हो, लोकेशन में पूरी बसावट है। आप देख सकते हो सभी जगह लोग रह रहे हैं। ये सेक्टर 43 का ए ब्लॉक है, ग्रीनफील्ड कॉलोनी का ए ब्लॉक। चलिए चलते हैं अंदर। ये कुछ इस तरीके से देखो आप, इसका जो चौड़ाई है घर की फ्रंट साइड ही देख सकते हो। ये 750 गज में बना हुआ है और 5 BHK बना हुआ है, एकदम प्रीमियम प्रॉपर्टी है। और ये देखो, ये इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि अंडरग्राउंड टैंक रहेंगे पानी के। ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलने वाले हैं, पर फ्लोर के अकॉर्डिंग अलग अलग बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये पूरी स्टिल्ट पार्किंग है। अगर आपके घर में 2 या 3 गाड़ी भी हैं तो भी आप इजीली खड़ी कर सकते हो यहाँ पे, इतना स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। बाकी ये पीछे इन्होंने गार्डन एरिया बनाया हुआ है जो कि एज अ गार्डन एरिया आप यूज़ कर सकते हो। इवनिंग में बैठना चाहते हो, इवनिंग में चाय स्नैक्स वगैरह जो भी कुछ इन्जॉय करना चाहते हो, या घास पे सुबह मॉर्निंग में घूमना चाहते हो, तो ये इसी वजह से, इसी पर्पज से बनाया हुआ है। ये पूरा आपका एज अ कॉमन यूजेबल एरिया रहेगा। बाकी ये यहाँ पे आपके जिम बन रहा है जो कि कॉमन रहेगा। ये जिम ये बिल्डर खुद ही बना के दे रहे हैं आपको जिम। तो आइए अब मैं आपको ऊपर से इसकी फ्लैट की लुक दिखा देता हूँ। ये ऊपर जाने का वे रहेगा, ये स्टेयर्स रहेंगी जो कि ऊपर आपको लेके जाएगी, और ये लिफ्ट रहेगी। ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो वीडियोस तो देखते हो बट चैनल पे ओवरऑल सब्सक्राइब भी आते हैं। लेट सपोज 20,000 या 30,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो उनमें से जो रेशो है ना, लाइक जो सब्सक्राइब वाले हैं वो कम हैं, जो अनसब्सक्राइब वाले हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जो देखते हो ना, जो मेरे अनसब्सक्राइब वाले लोग हैं, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को, बिकॉज जो अनसब्सक्राइब वाले हैं वो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। वीडियो आप देख रहे हो, आप ही लोगों के लिए बनाई हुई है। और देखने से पहले कई लोग क्या होता है, कॉल भी कर देते हैं कि इसका रेट क्या होगा, क्या नहीं होगा, बिकॉज़ वीडियो 1 या 2 मिनट उन्होंने आपने देखी होगी, उससे पहले ही मुझे कॉल आ जाता है कि इसका क्या रेट होगा, कौन सी लोकेशन पर। आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ उसमें बताया हुआ है मैंने कि इसमें क्या रेट रहेगा, कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, कितने यार्ड में है, सब कुछ ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें बताई होती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे को कॉल करने से पहले पूरी वीडियो देखना, फिर उसके बाद मुझे कॉल करना अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं। बिकॉज़ कई लोग ऐसे हैं कि खुद ही कॉल कर देते हैं और सारी चीज़ें मुझसे फ़ोन पे जानना चाहते हैं। तो वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि आप लोग लेने से पहले देख सके, मुझे बार बार कॉल ना करें, मुझे कॉल जब करें जब आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको एंटरटेन अच्छे से करूँगा। तभी ऑपरेशनल नहीं हुई है, ये जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगी। बाकी ये हमारा जिम का वे रहेगा, जो हमारी जिम बन रही है, ये आप देख सकते हो। ये जिम का वर्क इन प्रोग्रेस है, विद इन 10 to 15 days में यहाँ पे सामान वगैरह, जिम के सारे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। तो आइए अब मैं लेके चलता हूँ ऊपर। तो अब मैं आपको इसका अपर ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ। तो आइए, तो अब मैं अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ जो कि मैं आपको 5 BHK दिखाऊंगा। ये अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। अपर ग्राउंड फ्लोर के साथ, इस 5 BHK के साथ आपको सर्वेंट रूम भी मिलता है, जो कि इन्होंने ये सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम बनाया हुआ है। अभी ये एज अ स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं इसे। ये आप सामने देख सकते हो, ये वॉशरूम है, ये पूरा सर्वेंट रूम रहेगा। ये आपकी लिफ्ट आती है ऊपर, जो कि आपको अभी ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशनल हो जाएगी। बाकी ये मेन एंट्रेंस है जो कि घर का एंट्रेंस रहेगा। ये अभी आपको ये लकड़ी वाला गेट लगा के देंगे। तो आइए अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये अंदर एंटर करते ही आपका ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहेगा। ये फॉल सीलिंग चेक करो इसकी, सीलिंग आपको एज इट इज़ ऐसी ही मिलने वाली है जैसे ही आप देख रहे हो, और ये एज इट इज़ ऐसी मिलेगी। और ये आपका एज अ डाइनिंग एरिया हो जाता है, और ये आप एज अ पूजा एरिया यूज़ कर सकते हो। सामने ये आपका किचन आ जाता है। किचन देखिए कितनी बड़ी किचन है, इतनी बड़ी किचन आपने कहीं देखी नहीं होगी। ये एज इट इज़ ऐसी ही मिलेगी। गीज़र भी इन्होंने लगा के दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, गीज़र भी लगाया हुआ है। आपको कुछ ओपन्स करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे सॉफ्ट क्लोज़र के साथ मिलते हैं आपको।
इसने अंदर भी लाइट चला रखी है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है। यहाँ से चिमनी का होल किया हुआ है, चिमनी के पाइप का, यहाँ से आपका चिमनी का पाइप जाएगा। ये ओवरऑल पूरी किचन थी। ये ओवन वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप अपने ओवन्स रखोगे, ओवन माइक्रोवेव वगैरह। ये आपका साइड टेबल आ जाता है। और किचन में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पीछे आपको ना किचन में चिमनी भी मिलेगी, जो कि ये चिमनी की जगह ही चिमनी, देखो स्पेस दिया हुआ है, ऑलरेडी होल हो रखे हैं, और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है सामने, तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, जो कि एक किचन में नीड होता है। और इतनी बड़ी किचन है कि आप आराम से 3-4 बंदे, आपके घर में सर्वेंट भी है ना, तो भी आराम से खड़े होके बना सकते हैं। प्लस ये पूजा रूम आ जाता है, ये पूजा एरिया आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हो। मेन एंट्रेंस था, ये मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद में आपको ये लिविंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है, ये लिविंग एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। और इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छी की हुई है। ये लिविंग एरिया रहेगा, और यहाँ से आपको फ्रंट बालकनी मिल जाती है घर की, जो कि काफ़ी बड़ी बालकनी रहेगी। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी बालकनी रहेगी, और इस वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, लाइट्स भी फैंसी लगाई हुई हैं। और ये देखो, ये काफ़ी अच्छा ये स्टोन का यूज़ किया हुआ है, सीमेंटेड स्टोन। इससे क्या होता है ना, आपके बिल्डिंग में सीलन नहीं आती है, ये सीलन नहीं आती है। सीलन जैसे बिल्डिंगों के बाहर पेंट होने के बाद सीलन आ जाती है ना, तो यहाँ पे सीलन का इशू कभी नहीं आएगा, ये इसीलिए यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको इसका आगे का एरिया दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको एंट्रेंस दिखाया था, ये मैं आपको लिविंग एरिया दिखा चुका हूँ, किचन दिखा चुका हूँ, ये पूजा एरिया दिखा चुका हूँ। ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा किचन के जस्ट सामने, यहाँ आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। ये आपका पहला बेडरूम आ जाता है, जो कि एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा विद अटैच वॉशरूम के साथ। ये रूम आ जाता है, पहले इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, फॉल सीलिंग देखो कितनी, मतलब फॉल सीलिंग अभी इन्होंने ना सब में सेम की हुई है, बट जो ये फॉल सीलिंग है ये डिसेंट डिज़ाइन है। इसमें अगर आप एड ऑन भी करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। तो ये आपका टीवी पैनल वाला एरिया आ जाता है, टीवी एरिया, यहाँ पे आपको टीवी लगा सकते हो आप। ये आपका कबर्ड एरिया आ जाता है, ये कबर्ड देखिए, कबर्ड भी काफ़ी स्पेशियस बनाए हुए हैं, जो कि एक रूम में नीड होती है, इतने बड़े कबर्ड्स तो चाहिए ही होते हैं। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और इसमें देखो शावर्स वगैरह सारी चीज़ें लगाए हुए हैं, ये देखो शावर्स लगाए हुए हैं। और ये सोप वाला एरिया अलग है, इसमें ये एरिया अलग है, ये देखो काफ़ी प्रीमियम, मतलब आप आराम से, तो मतलब एक जो प्रीमियम, जो जिस हिसाब से ये पैसा ले रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको चीज़ भी दे रहे हैं। और ये आपका वैनिटी वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई है, ये कवर इसलिए की हुई है ताकि ये गंदी ना हो जाए। बाकी ये कॉमन वॉशरूम है, ये कॉमन एरिया से भी कनेक्ट होता है, ये सामने मैंने आपको किचन दिखाई थी। रूम से अब आपको बालकनी मिलती है, जो कि इसी रूम से सेपरेट बालकनी रहेगी, सभी जगह से इन्होंने सेपरेट बालकनी दी है, ये आपको सेपरेट बालकनी मिलती है। अब ये मैंने आपको पूरा फर्स्ट रूम दिखा दिया है, देन इसके बाद अब मैं आपको वॉशरूम में इन्होंने गीज़र भी लगाए हुए हैं, वो मैंने दिखाया नहीं, वो मेरे पीछे रह गया था। ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा, ये एक और आप लिविंग एरिया बना सकते हो इसमें, और चार रूम इधर आ जाते हैं। सेकेंड रूम हमारा ये रहेगा, ये सेकेंड रूम है, ये एंटर करते ही सबसे पहले इन्होंने कबर्ड्स बनाए हुए हैं, ये कबर्ड्स के अभी हैंडल्स लगे नहीं हैं, तो ये लग जाएंगे। ये कबर्ड्स आपको डबल डोर, मतलब दो वाले मिलते हैं, जो कि काफ़ी स्पेसियस हैं। ये आपका टीवी पैनल वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपका टीवी लगा सकते हो आप। और ये आप रूम देखिए, फॉल सीलिंग चेक कीजिए, इसकी फॉल सीलिंग वही सेम एज इट इज़ की हुई है सभी रूम में। और ये हमारा रूम रहेगा, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस रूम है। प्लस ये हमारा वॉशरूम आ जाता है, मिलेगा गीज़र, पॉट, शावर एरिया, वॉश प्रेशर, वैनिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने लगा के दी हुई हैं। प्लस इनका इधर से, यहाँ से इनकी विंडो भी आती है, ये विंडो भी दी हुई है, तो ये पूरा। और इसमें भी फॉल सीलिंग की हुई है, देखो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वैसे सेम है, बट इसमें भी फॉल सीलिंग की हुई है। तो ये हमारा सेकेंड रूम था, बालकनी आपको मैं तीसरे रूम के साथ दिखाऊंगा। मैं सेकेंड रूम के बाद अब आपको ये थर्ड रूम दिखा देता हूँ। ये थर्ड रूम रहेगा हमारा, जो कि ये भी वही है एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा। और ये आपको इसकी फॉल सीलिंग चेक करो, ये आपको काफ़ी बड़ा और स्पेशियस रूम मिलता है, जो कि एकदम डिसेंट साइज है, एकदम ऑफ है। ये 13x17 का रूम है, जो कि काफ़ी बड़ा रूम होता है। और ये आपका, ये देखो ये कवर्ड एरिया इसमें एकदम अलग दिया हुआ है,
ये एकदम अलग है, कवर्ड एरिया में कवर्ड खोल के नहीं दिखा रहा, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं। ये वॉशरूम आ जाता है इसमें भी, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम मिलता है, गीजर वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और भाई सारी चीज़ें एज इट इज़ सारी चीज़ें देखो, इसमें फॉल सीलिंग भी सेम ही की हुई है खैर, और वो पॉट वगैरह वॉश प्रेशर वैनिटी सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई है। दिखा देता हूँ जो कि फोर्थ रूम इसके जस्ट बगल में ही आएगा, इसके जस्ट बगल में फोर्थ रूम आ जाता है। ये फोर्थ रूम आपको एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा रूम है, ये भी आपको स्पेसेस मिलता है काफ़ी। और फॉल सीलिंग चेक कीजिए इसकी, दिख रही है। ये आपका बालकनी का एरिया आ जाता है, यहाँ से आपको बालकनी कनेक्ट करेगी। और ये जो बगल वाला रूम मैंने दिखाया है, ये उससे भी बड़ा रूम साइज़ है, वो 13x17 का था, ये उससे भी बड़ा है, 14x20 का रूम साइज़ है। और ये आपका ये देखो उससे भी बड़ा, ये इसका वॉशरूम आ जाता है, इसका वॉशरूम और ज़्यादा बड़ा है। ये एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा सारा, ये आप देख सकते हो भाई, सारी चीज़ें मिलेंगी, बट ये सारी चीज़ें कवर की हुई है। और ये शावर मैंने आपको उस एक वॉशरूम में दिखा दी थी ओपन करके। आइए, जो ये मैंने आपको तीनों रूम एक साथ दिखाए हैं ना, इन तीनों रूम की बालकनी कॉमन है, रनिंग है। तो ये रनिंग बालकनी आपको यहाँ से दिखती है, ये रनिंग बालकनी है, ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है। यहाँ आप ऐसा ये टैप लगे हुए हैं, ये वॉशिंग एरिया के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं बंद कर देता हूँ, ये देखो रनिंग बालकनी। इसके जस्ट बगल वाला जो मैंने आपको रूम दिखाया था, यहाँ से भी कनेक्ट होती है, और उस बगल वाले रूम से भी कनेक्ट होती है। और ये पीछे आपको देखो बच्चों के लिए पार्क मिलता है, और पीछे भी देख सकते हो ये प्रोजेक्ट का बैक साइड है, पूरी बसावट है आसपास, आप देख सकते हो सब जगह लोग रह रहे हैं। और ये पार्क मिलता है, पार्क आपके बिल्कुल प्रॉपर्टी के पीछे, आप अपना यहाँ पे बच्चे आपके एंजॉय कर सकते हैं, आप इवनिंग में वॉक कर सकते हैं। तो एक पार्क एक मैंडेटरी चीज़ होती है, तो ये आपको बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी के पीछे मिलता है। ये पीछे का एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, ये गार्डन एरिया था, यह आपने देखा ही था। लास्ट रूम दिखा देता हूँ, इस बेडरूम के जस्ट बगल में ही रहेगा। ये एंटर करते ही फिफ्थ बेडरूम आ जाता है, ये देखिए फॉल सीलिंग चेक कीजिए इसकी, एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा ये आपको। और इसमें भी आपको कवर्स बना के दिए हुए हैं वाइट कलर के, और इसके साथ अटैच वॉशरूम मिलता है। ये एसी की वायरिंग की हुई है, ये अटैच वॉशरूम है, ये वही एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा जो ऑलरेडी मैं सारे वॉशरूम दिखा चुका हूँ। वैनिटी भी काफ़ी बड़ी बनाई हुई है, और इसके साथ भी आपको बालकनी मिलती है। बालकनी आपको सभी रूमों के साथ मिलती है। और ये देख लो, ये 4x4 की टाइल है। अगर मैं इस एरिया की मैं बात करूँ तो 8x10 का यही एरिया है। यूजुअली आप देखोगे अफोर्डेबल में 10x10 का ये रूम साइज निकल के आता है, हमने 8x10 की यहाँ पे बालकनी बनाई है। तो जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रॉपर्टी है, एकदम क्रीम प्रॉपर्टी है और यूनिक है। ये फ्रंट साइड ऑलरेडी दिखाया था मैंने आपको, ये देख सकते हो सामने। वाइज मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है, जो कि 750 गज में था, 5 BHK 5 टॉयलेट बना हुआ है, और इतना बड़ा साइज 750 गज में पूरे ग्रीन फील्ड में आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है 750 गज के प्लॉट साइज पे बिल्डर फ्लोर लेना चाहता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। खाली एक ही इन्वेंट्री बची हुई है अपर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। लेना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो, पूरी वीडियो देखने के बाद ही कॉल करना। और इसका जो प्राइस आता है वो अपर ग्राउंड फ्लोर का 2,40,00,000 रुपये आता है। फर्स्ट और सेकेंड और टॉप फ्लोर सोल्ड आउट हो चुका है, खाली अपर ग्राउंड फ्लोर बचा हुआ है। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो मुझे कॉल कर सकता है। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।